हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज 14x45 फ्रंट इसका 14 फिट की है, लंबाई इसकी 45 फिट की है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में बाइक पार्किंग के साथ में 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। उसके ऊपर भी आपको 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 फिट में आपका एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट एलिवेशन दिया हुआ है आपका 14 फिट में ओनली। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 14x45 में ओनली, देख सकते हैं कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से डाल दिया गया है, वेंटिलेशन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से काफ़ी वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके की रैंप दी है और यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये गेट आपका 4.5 फिट का लगा हुआ है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 4.5 फिट की आपकी गैली दिख जाती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 8.5x11, ये 8.5x11 का आपका रूम दिया हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 8.5x11। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है, कम्प्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 7 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने के नीचे आप बाइक पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जीने के नीचे स्पेस मिल जाता है या फिर आप स्टोर रूम बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको टॉयलेट मिल जाती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 3.5x4, ये 3.5x4 की आपकी टॉयलेट दी गई है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बाथरूम मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप एग्जास्ट भी लगा सकते हैं। ये 1.5x3.5 फिट का आपका स्पेस दिया, ऊपर मैंने जार रखा हुआ है, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, देख सकते हैं आप। इस बाथरूम का मैंने साइज रखा 4x6, ये 4x6 की आपकी बाथरूम दी गई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 4x6। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हाथ धुलने वाला लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 7x16 का आपका हॉल दिया है, देख सकते हैं 7x16। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जिस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है, देख सकते हैं इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 6x8, ये 6x8 की आपकी किचन दी गई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 6x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको जिस तरीके रूम मिल जाता है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 10x13, ये 10x13 का आपका रूम दिया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 10x13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14x45 में बाइक पार्किंग के साथ में 2BHK हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको दिख जाता है फुल वेंटिलेशन के साथ में। आप बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था, सेम आपका जीना बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा 3.5x4, ये 3.5x4 की आपकी टॉयलेट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके जस्ट अगल में यहाँ पर आपको बाथरूम मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 4x6, ये 4x6 की आपकी बाथरूम दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस तरीके से हॉल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 7x16, ये 7x16 का आपका हॉल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है, ये 6x8 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 6x8। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है,
गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद जैसा कि आपको नीचे देखने वाले सेम साइज का आपको रूम दिख जाता है, 10x13 का आपका रूम बना हुआ है, देख सकते हैं 10x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद रोड साइड से आपको रूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है और वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। ये छज्जा आपका 3 फीट का निकला हुआ है, यहाँ पे आपको 3 फीट की बालकनी मिल जाती है। आप अपने हिसाब से छज्जा निकाल सकते हैं, 2 फीट 2.5 फीट जितना भी आपको निकालना हो। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 11x13, ये 11x13 का आपका रूम दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 11x13 कंप्लीट हटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं। 14 फीट में देख सकते हैं एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 14x45 में आपका हाउस प्लान पूरा कंप्लीट बना हुआ है कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया, पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।